औरत का हुस्न उसके चेहरे में नहीं, उसके किरदार में होता है। आ जानी, और किरदार कम से कम 34 का होना चाहिए। खैर, जमाना अपग्रेड हो रहा है। पहले स्कूल में बच्चे इंक मांगते थे, आज वही बहन के लौड़े बड़े होके लिंक मांगते हैं। यार, लड़कियों में और लड़कों में बड़ा फर्क है, मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे लड़कियां आपस में एक दूसरे की तारीफ करती हैं, कोई लड़की आती है तैयार होकर ना, उनकी दोस्त होती है, तो वो ये आगे से कहते हैं आज बहुत अच्छी लग रही है, तो वो कहती है थैंक यू सो मच, मतलब आपस में प्यार भरा माहौल चल रहा होता। हम लॉन्डों में क्या होता है पता है, कोई दोस्त तैयार होकर आता ना, हम जो बोलते हैं कि जानी आज अच्छा लग रहा है, तो वो आगे से क्या होता है, दे दे फिर अपनी गांठ पछड़ी के, दे दे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक नहीं बल्कि दो दो लौंडे हैं, तो अपने लौंडो को बुलाते हैं इस फैमिली शो में और इस बकचोद महफिल 3 को आगे बढ़ाते हैं। भेज दो यार मेहमानों को, आइए। देखने को नहीं बुलाया, इंटरव्यू के लिए बुलाया, बैठ कैसे हैं? बैठो बैठो बैठो, थोड़ा सा कैमरा में नजर आ रहा, बैठे बैठे आप लोग, खड़े हुए क्यों आप लोग, बैठे थोड़ा सा ना, मैं अबे बैठ, आप उधर बैठे, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, मोरनी की गांठ पहन के आ भाई, इधर आ, नहीं आप इधर आ, आप इधर बैठे। तो भाई ये एक दरअसल एक फैमिली शो है, इसमें हम अपने गेस्ट को बुलाते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे सवाल करते हैं, तो आगे से बहुत अच्छे अच्छे जवाब मिलते हैं। आप लोग सब सवालों के जवाब देने को तैयार हो? तैयार हो आप लोग? ओके ओके। आज बहुत थक गया हूँ यार। तो जॉब पे ज्यादा काम किया होगा ना बेचारे? अबे नहीं, भोसड़ी के हत्ती मार के आया हूँ। खत्म। तो भाई मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे, आप मुझे ये बताएं आप इतने कमजोर क्यों हैं? नहीं यार, मैं दूध का बहुत शौकीन हूँ। तो दूध पीने से तो इंसान की सेहत अच्छी होती है ना? नहीं नहीं भोसड़ी के, मैं दूध पीता नहीं हूँ, मैं दूध देखता हूँ। जैन भाई आप सेहतमंद लग रहे हैं मुझे, आपका क्या राज है? मैं भी दूध का शौकीन। दूध देखने से तो इंसान की सेहत कम होती है ना? बे पोसड़ी के, मैं दूध पीता हूँ। तो मेरा आपसे अगला सवाल है, आप मुझे ये बताएं क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। क्या चलाते हैं आप? चकला। आप क्या करते हैं फिर? मैं भी ड्राइवर हूँ। तो आप भी चकला चलाते हैं क्या? नहीं नहीं पोसड़ी के, मैं रक्षा चलाता हूँ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आप मुझे ये बताएं पाकिस्तान में क्या चीज फ्री मिलती है? गाल में उंगली। जहाँ खड़े हो वहाँ से पीछे कोई ना कोई गाल में उंगली देके चला जाता। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ। तो आप मुझे ये बताएं, मोहब्बत में कुर्बानी सिर्फ मर्द को देनी पड़ती है? ठीक है, औरत को सिर्फ देनी पड़ती है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आप मुझे ये बताएं आपने आगे का क्या सोचा? यार आगे का तो इलाज चल रहा है जाने। भोसड़ी के ऐलान करा दो, व्हाट्सएप लगा दो। पतला है क्या? पतला है यार, थोड़ा सा छोटा दे रहा। अबे यार ये फैमिली शो है यार, थोड़ा सा ख्याल करो, फैमिली शो है, लेडीज देख रही हैं, बच्चे देख रहे हैं, बहुत कुछ सीखते हैं यार वो। हाँ नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि फ्यूचर का क्या सोचा आपने? यार फ्यूचर का भी यही सोचा है, इलाज खत्म होते ही शादी करूंगा यार। खत्म। यार भोसड़ी के थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा लौड़ों से बाहर आ, फ्यूचर प्लान्स बता, अपने तेरे गोल्स क्या हैं? यार हारिस भाई कोई गोल नहीं है, कोई फ्यूचर प्लान नहीं है यार। क्यों? यार हम मर्द हैं, मर्द हमारी कमाई के साथ लौड़े की लंबाई देखी जाती है यार। जाने 5000 का खुला है? नहीं नहीं खुला नहीं है यार भाई। खुला? नहीं नहीं खुला नहीं है। जाने खुला? खुला नहीं है, लुल्ला है, तेरे को चाहिए भेड़ के लोड़े। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आप मुझे ये बताओ, सुना है मर्द को दर्द नहीं होता? हाँ भाई मर्द को बिल्कुल दर्द नहीं होता, कभी बिना तेल के ट्राई कर, बड़ा दर्द होता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आप मुझे सवाल जवाब तो होते रहेंगे। अभी एक जगह है मेरे पास, एक स्कीम हाथ लगी है मेरे, तो उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। अभी इस टाइम तेरे पास क्या चीज है? अभी इस टाइम 8 इंच का लैंड है, क्या करना है? फैमिली शो है यार, तूने बोला क्या इन्वेस्ट करने के?
तो आप मुझे ये बताएं, ये लड़के वाले लड़की का हाथ क्यों मांगते हैं? हमें तो डायरेक्ट डायरेक्ट वो थोड़ी मांगेंगे, घोसड़ी के हाथ ही मांगेंगे ना पहले। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो जैन भाई आप मुझे ये बताएं, ये सवाल छोड़ो, लोंडो ने पैसे जमा किए हैं, मुजरा करवाना है, प्रोग्राम सेट है, लड़कियां नहीं मिल रही। अब लड़कियां नहीं मिल, लड़कियां चाहिए ना मुजरे करवाने तो। हाँ। मतलब नीचे सारी ऑडियंस बैठी होगी, लौंडे होंगे, ठरकी लौंडे होंगे, डांस के लिए मुजरे के लिए बंदियां चाहिए, बंदियां चाहिए। तो आजकल वो चल रही है ना, अगर इस तरह की तुम्हें लौंडियां चाहिए मुजरे के लिए, शादी हाल चलो। जो लड़कियां डांस करती हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड करती हैं, वहां भी लोग देखते हैं, तो इससे अच्छा इधर बुकिंग के लिए बुला लेते हैं। भाग यहां से भूसड़ी की। अबे तो उधर वीडियोस में ऑल पर झिला रही होती, इधर लौंडों के सामने हिला दे, क्या फर्क पड़ेगा? एड्रेस मैंने तुम्हें बता दिया, फौरन पहुंचो, ठीक हो गया? ओके ओके। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब मुझे ये बताएं, रात में आप अपने घर कब जाते हैं? यार हरीश भाई, रात को कभी कभी तो घर जाते ही नहीं है, सही बताऊं तो। कभी लेट जाते हैं, कभी नहीं जाते। मुझे पता है घर वालों के लिए कुछ कमाने निकले भी होते हैं। अबे नहीं भोसड़ी के, रात को दोस्तों में बैठे सुट्टे वुट्टे मार रहे होते हैं, कभी सीन बन जाता है ज्यादा। हाँ। आप ये बताएं, अगर आपको एक जगह 10 लाख रुपए दिए जाए, हाँ, और दूसरी जगह आपकी मॉम की स्माइल हो, तो आप इन दोनों में कौन सी चीज पिक करेंगे? जाहिर सी बात है, एक ही चीज चॉइस करूंगा। हमें पता है 10 लाख। बेगैरत आदमी, 10 लाख रुपए भोसड़ी के, जब 10 लाख आ जाएंगे मॉम के चेहरे पे खुद ही स्माइल स्माइल हो जाएगी। एक बात बताएं, ये जो आजकल की लड़कियां बोलती हैं कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मर जाऊंगी, भाई सब झूठ है, सब झूठ है। पूछो क्यों? क्यों भाई, ये जिस लड़के को बोल रही होती है ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, वो उसी लड़के के मरने के 5 दिन बाद रात में कॉल पे बात करते हुए क्या बोलती है दूसरे लड़कों से? क्या? अच्छा इसके आगे क्या करोगे फिर? तो आप मुझे ये बताएं, एक और एक कितने होते हैं? यार एक और एक थोड़ा दूर बैठे हो तो 2 होते हैं, और करीब आ जाए तो 69। तो आपसे अगला सवाल है, ये बताएं आपका फेवरेट कलर कौन सा है? यार मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, लेकिन मुझे पिंक पसंद है। फेवरेट कलर ब्लैक है तो पिंक? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। फेवरेट ब्लैक हो गया, हाँ, लेकिन मुझे पिंक चाहिए। अबे मैं लियाकताबाद की गंदी गंदी गालियां दूंगा, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे मैं बहन को भेण बोलता हूँ, भेण को। तो ये बताएं, आप कभी किसी से माफी मांगी है आपने? माफी? अबे मैं किसी के बाप से नहीं लड़ता, माफी क्या मांगूंगा, माफी अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, माफ कर भाई। अभी माफी मांगी है ना तेरी शक्ल पे, माफी। अगला सवाल, अगला सवाल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यार ये थोड़ा सा सीरियस सवाल है, जो कि मैं ये पूरी वीडियो में ये सवाल जो है ना दिल से पूछूंगा आप लोगों से। वो सवाल ये है कि रोशनियों के शहर कराची के बारे में क्या कहोगे? अरे यार इस भाई, अब रोशनियों का शहर ना रहा, अब कहाँ रोशनियों का शहर रहा, अब तो ये डकैतों का शहर रह चुका है, हर जगह रक्षों का शहर हो चुका है। रक्षा अब ये रक्षे हैं, रक्षे डकैत, बस ये इन्हीं का शहर। यकीन करो दिल ही नहीं करता कहीं जाने का, रात में तो मतलब अपने घर के बाहर है। आप सुबह देखोगे दिन में कोई खुदाई कर रहा होगा, रात में कोई डकैती कर रहा होगा, डकैती कर रहा। अबे नहीं रहा है, बेकार हो गया वो शहर अभी। हम कहीं पे सेव नहीं है भाई, हम कहीं पे सेव नहीं है, हम होटलों में सेव नहीं है, हम गली मोहल्लों में सेव नहीं है, हम गेस्ट हाउस जाते हैं वहां पे भी सेव नहीं है। कैमरे लगे हुए होते हैं, लेकिन यार बस हमारे शहर के साथ गलत होता है, दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। क्या नहीं मिला? यार आखिरी पहले एक काम है यार आपसे। मेरे से काम है? जी आप पठान है? मैं पठान हूँ। यार आपकी होने वाली जो भाभी है ना, मतलब मेरी बच्ची, वो भी पठान है यार। तो हमारी सेटिंग करा देना। अबे छोड़ के तो मतलब फिर क्यों पूछ रहा है? तो क्यों पूछ रहा है यार? मैंने ना उनको आई लव यू बोलना है यार पश्चिम में।
तो मुझे सिखाया ना आई लव यू, पश्तो में आई लव यू बोलना है। मैं बताता हूँ, पश्तो में आई लव यू को बोलते हैं, हाँ ये बोलते हैं कि स्ता दनिया गड़ सुरे ये पश्तो में आई लव यू बोलते हैं। वो पठान है ना, पठान है, वो सुनेगी आज ये खुश हो जाएगी तुमसे। हाँ चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक मिनट हारिस भाई, ऑनलाइन है यार, मैं अभी वॉइस भेज दूँ? नहीं नहीं घर जाके बोलना। नहीं नहीं अभी 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 भेज देता हूँ, एक मिनट लगेगा, एक मिनट अभी भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ, घर जाके बोल। एक एक मिनट सिर्फ, एक मिनट यार। हेलो जान, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तुम मेरा आपसे आखिरी सवाल, हारिस भाई सीन कर लिया, हारिस भाई रिकॉर्डिंग कर रही है, रिप्लाई कर रही है। अबे अभी बाद में बात करना है यार, अभी आगे आगे जवाब। उस्ताद दनिया सुराई गांडू बड़वा दला नसड़ी जुया, मैं तुमसे ये मंगनी खत्म कर रही हूँ, आज के बाद मुझे अपनी गंदी शक्ल मत दिखाना, दफा हो जाओ अपनी शक्ल लेकर मनुष इंसान गांडू। भागने नहीं देना, मैंने कुछ भी नहीं बोला यार। चैनल को रुको, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और कमेंट्स में बताओ मैंने मंगनी नहीं तोड़ी। मैंने तूने मेरी मंगनी तोड़ी, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो खाली बस।